धीरे बड़े होने लगे तब हमको समझा दिया जाता है ये प्याली तेरे चाचा की है और ये प्याली हमारी है। प्यालियां तक बता दी जाती हैं बच्चों को, वो चप्पलें पहचानने लग जाता है, ड्रेस पहचानने लग जाता है। जैसे जीव इसमें आता है हमने उसको तेरा और मेरे के भेद में डाल दिया। वो आया है निर्गुण होकर के, निर्लेप होकर के, वो चाहता है कि मैं यहाँ निर्लेप होकर के चढ़ जाऊं। कौन सी? उन सीढ़ियों को, जिन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद में मुझे नीचे ना उतरना पड़े। लेकिन हमने उस पैदा होते ही उसके पैर में जंजीरें डालना शुरू किया, उसको खुशबू देना शुरू किया, माँ की खुशबू आने लगी। नहीं नहीं तू अपने पास मत सुलाना इसको, नहीं तो ये तेरा हथियार हो जाएगा। कभी यहाँ सुला, कभी वहां सुला, कभी ये कर, कभी वो कर। हमने ऐसी हालत कर दी जीव की कि इस दुनिया में आते ही तेरे और मेरे का भेद बताना शुरू कर दिया। वो द्वैत में डाल दिया उसको, एक की बात ही नहीं करते, द्वैत में फंस गया। जैसे जीव द्वैत में फंसा वो कोल करार भूल गया। इतने कोल करार किए थे मां के गर्भ में, एक भी याद है? मेरे भाई बहन तुमको याद हो तो, मुझे तो याद नहीं। जो भी कोल करार किए मुझे तो याद नहीं, आप लोगों को शायद हो। मार्ग वो चाहिए मुझे, जहां जाने के बाद में, जहां पहुंचने के बाद में दूसरी पहुंच खत्म हो जाए। रस मुझे वो चाहिए जिसको पीने के बाद में प्यास खत्म हो जाए। भोजन वो चाहिए जिसको एक बार ही खा लूं उसके बाद में भोजन की जरूरत ना पड़े। गोद वो चाहिए जिसकी गोद में एक बार चढ़ जाऊं तो कभी उतरूं ही नहीं। वही गोद चाहिए मुझे, वही गोद चाहिए मुझे, वही गोद चाहिए, कभी उतरूं ही नहीं। कोई ताकत मुझे ना उतार पाए। संतों ने बहुत बारी समझाया, कहा, लेकिन सुनते नहीं। और हमारी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाती है। जैसे माँ की गोद में आए वो तेर मेर शुरू हो गया, लाड लड़ाया जाता है, हमारा लाड़ चाव किया जाता है और लाड़ चाव में फूले फूले घूमते हैं। कईयों की तो घर की थाली दादी फोड़ देती है कि मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरा पोता पैदा हुआ, थाली फोड़ देती है, हैं? एक थाली का और सत्यानाश कर देती है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरा स्वागत जब इस तरीके से हो रहा है तो फिर मुझे भी वही स्वागत करना चाहिए, मुझे भी वही सीढ़ियां चढ़नी चाहिए, मुझे भी वही करके दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उस अविनाशी अंशी का अंश हूं, तो मुझे अपने अंश की तरफ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलो, प्रकृति का नियम है हर कोई अपने अंशी की तरफ में चलता है। अग्नि अंशी है सूर्य, अग्नि सूर्य की, जब भी आप अग्नि जलाओगे ऊपर की तरफ में भागता है। बोलो, अपने अंशी की तरफ में जाता है कि नहीं? जल को आप डालते हो नीचे, हमेशा ढलान की तरफ में भागता है, तो जल का अंशी कौन है? समुद्र, समुद्र का है निचाई में, पानी हमेशा निचाई की तरफ में भागता है। हर जीव प्रकृति के नियम का पालन करता है, एक मानव ही ऐसा खोटा जीव है जो प्रकृति को चैलेंज करता है, प्रकृति को चैलेंज करता है। हम अपने अंशी की तरफ से मुंह मोड़ चुके, हमको अंशी चाहिए ही नहीं, हमको संसार चाहिए। और संसार के हुए तो संसार में फंसे, तो क्या कहा? अरे दूजे सोया मात गोद में सुख की नींद, तुझे सोया मात गोद में सुख की नींद, तुझे सोया मात गोद में सुख की नींद, तुझे सोया मात गोद में सुख की नींद। बुआ भाण तेरा लाड लड़ावे गावे मंगला चार, लाड तेरा हो अब तो जाग मुसाफिर जान, लाड तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जान, जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरी भजन में लाग, लड़ा जग सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जान, लड़ा जग सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जान। तीजे सोया तेरी असेज पे गल में पैया डाल, तीजे सोया तेरी असेज पे गल में पैया डाल, तेरिया भोग रोग रे दुखिया किया जन्म बेकार, भोग तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, भोग तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरी और मेरे भाई बहन है। जब चौथी स्थिति आती है तो काम खत्म हो जाता है। चौथी स्थिति आई, काम खत्म। तीन स्थिति तक ही आप परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की तरफ में चल सकते हैं।
चौथे सोया जा समशाना लंबे पांव पसा। अब क्या करोगे, मरण तेरा हो लिया रे, अब तो चाल मुसाफिर चाल की बात, अब तो जागने की बात, हरी भजन में लगने का काम ही खत्म हो गया। ये साधन जब तक है, ध्यान देना, साधन है तभी तक साध्य को प्राप्त कर सकते हो, साधन खत्म तो साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, देवता भी नीचे गिरेंगे। परमात्मा को पाना है, इस जीवन का असली मकसद है परम तत्व को प्राप्त करना, जिसको नेति नेति कहता है वेद, जिसको न ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब चीजों को देखता है, एक बारी देखता है फिर बोलता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर देखता है तो कहता है ये भी है, ये भी है, ये भी है, यत्र तत्र सर्वत्र, जिसकी बात है उसकी बात करता है वेद, उसको ढूंढना है। ढूंढे कैसे, जैसे दूध में मक्खन छुपा हुआ है मेरे भाई बहन, परमात्मा यहीं पे है, लेकिन उसको निकालना पड़ेगा, जुक्ति करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, उस दूध को गर्म करना, जमाना, बिलोना आना चाहिए, मक्खन जैसे ही निकल करके आएगा पता चल जाएगा, लेकिन जब तक दूध में है तब तक मक्खन का पता नहीं चलेगा मेरे भाई बहन। क्या राजा जनक से कहते हैं, राजन जब तुम उस बेल में लिपट गए, तुम्हारी कामनाएं और बढ़ गई, ये बेल और कुछ नहीं है राजन, ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारा जीवन ही वो बेल है जिसमें तुम लटके हुए हो राजन, नीचे जो देख रहे हो गहरा कुआं, उस कुएं में जो सांप बैठा हुआ है राजन, वही तुम्हारा काल है जो तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। तो नीचे काल बैठा हुआ है राजन, ऊपर बेल को पकड़े हुए हो, और बेल को भी दो चूहे काट रहे हैं लगातार राजन, कितनी देर तक बेल रहेगी, काट रहे चूहे, वो चूहे बेल को काट दे उससे पहले पहले राजन निकल जाओ इस गड्ढे से बाहर। ये एक काला और एक सफेद चूहा क्या है राजन, ये काला और सफेद चूहा दिन और रात है, ये दिन और रात लगातार तुम्हारी जीवन रूपी बेल को काटे जा रहे हैं, जब से पहले कि ये बेल कटे राजन तुमको उद्योग करके इस गड्ढे से बाहर हो जाना है, इस काल के गाल में नहीं जाना राजन, यदि काल के गाल में गए राजन तो फिर तुम नहीं बच पाओगे। तो बेल कटने से पहले पहले बाहर हो जाओ राजन, और यदि बाहर हो गए तो निकल गए, लेकिन तुम फंस गए राजन किस में, उस स्वाद में, कौन से स्वाद में, जो बूंदे टपक रही है ऊपर से शहद की, जो दुनिया के स्वाद है राजन, दुनिया के स्वाद में आए तो भूल गए कि बेल भी कट रही है और भूल गए कि नीचे भी कोई फन फैलाए बैठा हुआ। इसलिए राजन जो तुम कहते हो कि तुमने उसको सत्य माना राजन, वो सत्य नहीं था, और राजन तुम्हारा ये जन्म भी सत्य नहीं है, क्योंकि नास्ते विद्यते भाव की बात है, जिसका नाश होता है वो सत्य नहीं हो सकता, जिसका नाश होता है वो सत्य नहीं होता, जिसमें परिवर्तन होता है वो सत्य नहीं है, जिसमें परिवर्तन हो गया वो सत्य नहीं है मेरे भाई बहन, उसमें सच्चाई नहीं है। जब भगवान को लेकर के अक्रूर जी चले मथुरा के लिए, तब रास्ते में उनको संशय हुआ, छोटा सा बच्चा है कंस इसको मार डालेगा, इसको कहां ले जाऊं कंस के पास में, बड़ा निर्दयी है, मन में संताप हुआ, शरीर जलने लगा, रथ को रोका, रथ को रोक करके कहते हैं भैया कृष्ण जी, चाचा जी मैं जरा स्नान करके आ जाऊं नदी में। हाँ चाचा जी करके आओ, और जब चाचा जी नदी में स्नान करने गए, डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं, जल में वही कृष्ण है, एकदम से हड़बड़ाए, अरे ये तो रथ पे छोड़ा था, यहाँ कैसे आ गया, अच्छा अच्छा ये भी आ गया क्या पानी में, लेकिन बाहर निकले, बाहर निकलते देखते वो तो रथ के ऊपर बैठा हुआ है, हैं? फिर ये जल में क्या दिखा, वो रथ पे बैठा हुआ है, देखा रथ पे बैठा हुआ है, फिर डुबकी लगाई जल में तो फिर देखा नीचे, क्या देखा, वही कृष्ण मुस्कुरा रहा है, हड़बड़ाए, सिर घूम गया, ये क्या देख रहा हूं मैं, कृष्ण यहाँ पे है, फिर बाहर निकले, फिर रथ पे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, समझ में नहीं आ रही, फिर डुबकी लगाई, और अब की बारी क्या देखते हैं, सारे देवी देवता उनकी आराधना कर रहे हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही है, शेष के ऊपर लेटे हुए मुस्कुरा रहे हैं, एकदम से अक्रूर जी घबराए, बाहर निकले, बाहर निकल करके देखा तो फिर मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए, ये तो विचित्र स्थिति है महाराज। बड़े मंदिन कदमों से धोती कंधे पे डाल करके रथ के पास में पहुंचे,
और जब रथ के पास में पहुंचे तो देखते रहे, कृष्ण को देखते रहे और देखते ही रह गए। कन्हैया मुस्कुराए, चाचा जी स्नान करके आए? हाँ कान्हा स्नान तो करके आया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कन्हैया, क्या हुआ? मैंने वहां कुछ देखा कन्हैया। अच्छा तो कन्हैया ये समझ में नहीं आया वो सत्य था कि ये सत्य है? राजा जनक का सवाल क्या था, वो सत्य था या ये सत्य है? मेरा महल सत्य है, मैं सत्य हूं, मेरा बिस्तरा सत्य है, तो बताओ वो सत्य था जो मैंने देखा स्वप्न में या जो अब देख रहा हूं वो सत्य है? यहां अक्रूर जी भी कहते हैं कन्हैया, कन्हैया बताओ वो सत्य था या ये सत्य है? वहां अष्टावक्र जी कहते हैं राजन ना वो सत्य था ना ये सत्य है। यहां अक्रूर जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब वो पूछा कन्हैया वो सत्य था कि ये सत्य है, भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं वो भी सत्य था और ये भी सत्य है। कैसी सिद्धि थी महाराज, वो भी सत्य ये भी सत्य। वहां कहते हैं वो भी सत्य नहीं ये भी सत्य नहीं, तो यहां बताया जिसका नाश होता हो, जिसमें बदलाव आता हो वो सत्य नहीं हो सकता। जिसका नाश नहीं होता है वही तत्व है, वही परमात्मा है, जिसमें बदलाव नहीं आता वही परमात्मा है। इसलिए राजा जनक का जब संताप खत्म हुआ तब हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं और मैंने आधे राज्य की बात करी थी महाराज, अब तो मुझे आधा भी नहीं चाहिए, पूरा राज्य आपका। वो छोटा सा बच्चा अष्टावक्र, लाओ ताली लाओ, खजाने की ताली ले ली, मुकुट उतारो, मुकुट उतार करके रख दिया, जाओ निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर, अब तो राज्य मेरा है ना, जी गुरुदेव आपका है, जाओ तो मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। और राजा जनक सारे राज्य से अलंकारों को उतारा और दरबार से बाहर हो गए। जब दरबार से बाहर निकलने लगे, ए तुम मेरे शिष्य हो, राजा जनक घूमे, जी महाराज इधर आओ। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं? राजा जनक ने कहा जी महाराज। तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? जी महाराज। पकड़ो ये चाबी, उठाओ ये मुकुट, पहनो सिर पे, राज्य मेरा, काम तुम करोगे, जी गुरुदेव। और शिष्य ने अपने गुरु ने अपने शिष्य को राज्य दिया और अष्टावक्र जी महाराज चल पड़े वहां से। यह है गुरु का तत्व, यह है गुरु का भाव। आज बुरा मत मानना, आप लोगों के भी गुरु होंगे, मैं भगवान से क्षमा चाहता हूं, गुरुओं की मैं बुराई नहीं करना चाहता। वशिष्ठ महाराज रहते हैं कुटिया में, महाराज दशरथ रहते हैं सोने के महल में, संदीपानी मुनि रहते हैं कुटिया में, भगवान श्री कृष्ण रहते हैं द्वारिका में। अष्टावक्र जी महाराज ने जनक के राज्य को ठोकर मार दी, चले गए अपनी कुटिया में, राजा जनक रहते महल में। और आज की स्थिति, गुरु रहते हैं बड़े बड़े महलों में, चेला रहता है झोपड़ी में, महीने के महीने जाओ गुरु के आश्रम में कुछ दिया हो, मेरा बेड़ा पार हो गया। तुलसीदास जी ने 400 साल पहले बहुत सुंदर लिखा, जैसा गुरु वैसा ही चेला, नरक में धक्कम पेला, यथा राजा तथा प्रजा। क्या कहा उन्होंने, गुरु शिष्य अंदर बधिर कर लेखा, गुरु और चेले का दोनों का जो रिश्ता बताया, एक अंधा है एक बहरा है। गुरु शिष्य अंध बधिर, अंधे और बहरे का, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक ना सुनाई एक नहीं देखा, एक को सुनता नहीं है दूसरा देखता नहीं है, एक बहरा है एक अंधा है। अब बताओ मुझे, अंधा देख नहीं पाता है और बहरा सुन नहीं पाता है, गुरु अंधा हो गया है, वो चेले के अवगुणों को देखता नहीं है, चेले के दुर्गुणों को देखता नहीं है, और चेला बहरा हो गया है, गुरु की सुनता नहीं। अब बताओ अंधे को रास्ता कौन बताए? जिसको आंख है, आंख वाला सुनता नहीं है,
गुरु कहता है ये काम मत करो, चेला सुनता ही नहीं है, गुरु उसकी अनदेखी कर देता, अंधा हो गया, चोरी करके ला, बेईमानी करके ला, कुछ भी करके ला, तू 50% मुझे दे दियो, तेरा कल्याण हो जाएगा, कल्याण तो तेरा नहीं होगा। शिष्य ने दे दिया राज अपने अपने शिष्य को, गुरु ने जाओ राजन राज्य करो मेरी तरफ से। और यहां मेरे भाई बहन सुखदेव मुनि अपने शिष्य परीक्षित को कहते हैं, राजन त्याग कर देना एक बात, लेकिन त्याग को निभा देना असली बात। तमाम सारे लोग कह देते हैं कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने त्याग कर दिया, लेकिन वापस आते हैं राजन, यदि वापस आता है व्यक्ति उसी स्थान पे तो और नरक में जाता है। और यहां लेकर के चलते हैं प्राचीन भरही के नगर में, राजन मैं तुम्हें प्राचीन भरही के नगर में लेकर के जाता हूं। राजा प्राचीन भरही ने इतने यज्ञ किए कि दुनिया में उसके कुशाओं से, जो कुशाएं बिछा रखी थी उन कुशाओं से पूरी धरती को पाट दिया। और राजा प्राचीन भरही ने जब ये यज्ञ किए महाराज, तो उनका तेज इतना आगे चला गया कि उनके तेज से इंद्र डरने लगा कि अब क्या होगा। राजा प्राचीन भरही के यज्ञ को उन्होंने कितने सारे अश्वमेध यज्ञ किए, उन यज्ञों से यहां इंद्र को घबराहट हुई। और एक दिन आया कौन, कौन आता है बारंबार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोले बाके बिहारी लाल की जय। नारद जी जैसे आए, राजा प्राचीन भरही ने उनका स्वागत किया। और जब राजा प्राचीन भरही ने स्वागत किया, तब नारद जी ने कहा, राजन जी महाराज कैसे हो। राजा प्राचीन भरही ने कहा, महाराज बहुत सुखी हूँ, और जानते हो मैंने कई हजार अश्वमेध यज्ञ कर दिया। नारद जी हंसे, राजन क्या पाया। तो राजा ने कहा, क्यों महाराज मेरे समान कोई राजा नहीं है, इतने यज्ञ किसी ने नहीं किए, मैंने इतने सारे यज्ञ किए, वेद कहता है कि यज्ञ से बड़ा कोई कार्य नहीं। फिर नारद जी से, राजन निश्चित रूप से वेद से बड़ा कोई कार्य नहीं, लेकिन कर्म कांड की गति से राजन क्या करोगे, कर्म की गति से कर्म तुम्हें एक स्थान तक ले जाएगा राजन, तत्पश्चात क्या होगा। राजन मैं तुम्हें इसके बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं। यहां से निकले एक हंस एक परमहंस, राजन एक जीव एक परमात्मा, दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग हुए राजन। परमात्मा और जीव दोनों एक ही पेड़ की शाखा के ऊपर एक ही जैसा घोंसला बना करके रहते हैं राजन, लेकिन एक सवाल करता है, जब वो कहता है, क्या कहता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान सर्जाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओ जब जब हो धर्म कहानी बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तो राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम राधे श्याम।
जैसा ओ जब जब हो धर्म कहानी पाढ़े असुर कथन अर्जुन मैंने इस योग को सूर्य से कहा। सूर्य ने राजा इक्ष्वाकु से कहा, उन्होंने अपने पुत्र वसवंत से कहा। राजन परंपराओं से चलते चलते वो लुप्त हो गया। अर्जुन कहता, महाराज आप कहते कि आपने सूर्य को ये योग बताया, मेरी समझ में नहीं आता। सूर्य का जन्म तो आदि में हुआ था, आपका जन्म तो अभी मेरे सामने हुआ है, आप तो मेरे बराबर हैं, फिर मैं कैसे मानूं?